और अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में आज हम आपको कुछ खास शख्स से मिलवाएंगे जो इस भव्य और दिव्य राम मंदिर के असली शिल्पकार हैं, जिन्होंने राम मंदिर के सिंहासन, दरवाजे, खंभे, सीढ़ियों से लेकर प्रथम और दूसरे तल का डिजाइन तैयार किया, पत्थरों को तराशा, यही नहीं मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारियों को 25 साल तक गुप्त भी रखा। हमारे साथ वही मोहम्मद रमजान जुड़ रहे हैं जिन्होंने मंदिर में अपना योगदान दिया, निर्माण कार्य में सिंहासन इन्होंने निर्माण किया है। सेठ मोहम्मद रमजान मुखिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही जियाउल मुस्तफा जो आर्किटेक्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद रमजान, मैं आपका रुख कर रही हूं, जब आपको ये कार्य सौंपा गया क्या भाव थे आपके, कितना वक्त लगा इस कार्य को संपन्न करने में, उस वक्त की जो भी आपके जहन में तस्वीर हो जो आप बताना चाहते हो जी न्यूज के माध्यम से, आप सारी बातों को सामने रखिए। ये कार्य हमको 2022 में सौंपा गया मैडम। 2022 से चालू करके हमने अपना जो कमिटमेंट उनके साथ किया है, ट्रस्ट मंडल, L&T और टाटा के साथ में, वो अपने समय से पूरा ग्रह, तीनों गर्भ ग्रह का माल संपूर्ण रूप से वहां अयोध्या पहुंचा दिया है, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो प्रतिष्ठा के योग्य है वो अपना काम कंप्लीट आज की तारीख में मैंने कर दिया है जी। और जियाउल मुस्तफा साहब भी हमारे साथ हैं, आप दोनों का जी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दशकों पुराना सपना तमाम राम भक्तों का पूरा होने जा रहा है और इसमें आप दोनों ने एक अहम भूमिका निभाई है, आपका अनुभव कैसा रहा ये हम जानना चाहेंगे। तो हम लोग मेरे पिताजी के टाइम से, मतलब 94-95 मेरे को ध्यान में, यहां तक मैं 10th क्लास में पढ़ता था, उस टाइम पे मैं अपनी फैक्ट्री में आता था, तो ट्रस्ट मंडल अशोक सिंगल जी यहाँ मकराना पधारे थे, उन्होंने काफी सर्वे किया पूरे मकराने का। सर्वे के दौरान उन्होंने हमारी कंपनी को चुना कि ये व्यक्ति ही अच्छे ढंग से अपना काम कर सकता है। अच्छा, वो समय में कुछ काम बना था उसको गोपनीयता थी कि भाई किसी को बताना नहीं कि राम मंदिर का काम यहाँ पे मकराना संगमरमर से भी बन रहा है, तो उसकी गोपनीयता हमने किसी को भी नहीं दी ट्रस्ट मंडल के सिवाय। उसके बाद में मेरे पिताजी ऑफ हो गए और जैसे संपूर्ण रूप से वापस इसको बनने का नंबर आया तो ट्रस्ट मंडल ने आर्किटेक्ट CB सोमपुरा जी करके अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, उनसे परिचय किया कि बहुदीन जी के परिवार में अभी भी कोई व्यक्ति है जो काम करता है मंदिर का। उन्हें जानकारी मिली कि उनके लड़के रमजान भाई है, वो अभी भी संपूर्ण रूप से अच्छे ढंग से आज भी काम करते हैं फैक्ट्री का, तो वो लोग हमसे जुड़े, हम लोगों से मीटिंग की और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और आज भगवान की मेहरबानी से 2022 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो पूरे देश को मालूम है, सब वहां जाके दर्शन करे और बहुत ही अच्छा काम बना जो इंडिया में। बिल्कुल, अब मैं जियाउल मुस्तफा जी का रुख कर रही हूँ, उनसे मैं जानना चाहूंगी, सर आपने क्या क्या काम किया, दर्शक वो जानना चाहते हैं क्योंकि आप वो दो चेहरे जो इस वक्त जी न्यूज पर मौजूद हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है, क्या कुछ काम आपको मिला था, कैसे काम किया आपने? हमें भगवान श्री राम जी के गर्भगृह का, तीनों गर्भगृह का काम मिला था, जिसमें क्लैडिंग, पिलर, बीम, सीलिंग और डोरवे जो भी है वो सब मार्बल में, मकराना मार्बल में जी। बिल्कुल रमजान साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप भी बताइए अपने कार्य आपने किस तरह से संपन्न किया, क्या कुछ कार्य आपने मंदिर परिसर में किया? कि जब इन्होंने जब हमसे डील की, फाइनल किया, तो ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग काम कराया जिया भाई नजमी ने, वो काम सारे कारीगरों को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी खान धारकों को, मेरे कारीगरों को, मेरे जितने ओनर है उनके काम करने वालों को, जिन्होंने मेरा साथ दे, मेरा टाइम से संपूर्ण रूप से काम आज पूरा किया, जो मेरी इज्जत लगी और आज जो दुनिया देख रही है वो ये देखने जैसा काम बना है। शिल्पी काम ये नाहर शैली का, नागर शैली जिसको बोलते हैं, ये साउथ इंडियन में बोली जाती है उस तरह का ये सब, और आर्किटेक्ट ने इसको बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया, मतलब इंडिया में नहीं, मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया में सब मंदिर आज की तारीख में इस शैली का नहीं होगा। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी प्रथम तल का निर्माण हुआ है और अभी तो निर्माण जारी ही है, आगे क्या कुछ आप लोग काम इसमें करने वाले हैं क्योंकि 3 तल का ये मंदिर होगा? जी, तीनों दल का काम मैंने यहाँ मकराना से संपूर्ण रूप से वहां पहुंचा दिया है, अयोध्या भेज चुका हूं मैं,
अब उसको जो फिटिंग करना है वो मेरी लेबर करेगी, जैसे जैसे सुविधा वो देंगे उस तरह से हम ये काम संपूर्ण रूप से पूरा कर पाएंगे, और जैसे भी काम और आगे बढ़ेगा वो भी मैं पूरा करूंगा, दिल से करूंगा और अपनी श्रद्धा से करूंगा। बिल्कुल, और रमजान साहब जो मंदिर की भव्यता है वो देखते ही बनती है, लेकिन एक बहुत अहम बात ये हो जाती है कि मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारियों को 25 साल तक गुप्त रखा, ये आपके लिए कितना आसान या चुनौतीपूर्ण था? आपने कभी किसी से किसी तरह की जानकारी साझा की? नहीं नहीं की, मैंने न्यूज चैनल से नहीं की, पत्रकारों से नहीं की, कभी गांव वालों से, मकराना का मैं निवासी हूँ, कभी गांव वालों को भी ये नहीं पता कि अयोध्या का काम मकराना चल रहा है, तो उन्होंने मेरे को इंट्रक्शन दे रखा था, मुझे उसकी पालना करनी थी। जियाउल हक जी, जब 25 साल का ये लंबा वक्त रहा और आपने कहा किसी से साझा नहीं किया था, आपके घर वालों को पता होगा कि आप ये काम कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन था? उनका साथ मिला, समर्थन मिला? क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से इसको धार्मिक एंगल भी देने की कोशिश की गई, राजनीतिक एंगल भी देने की कोशिश की गई। जी जी, घर वालों का साथ था, उनका समर्थन था, वो बहुत ही खुश है इस काम से। जी बिल्कुल, और यही सवाल रमजान साहब आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या उनका समर्थन आपको मिला? नहीं, पूरा समर्थन था मैम, मेरे बच्चों का पूरा समर्थन था, मेरे भाइयों का पूरा समर्थन था, और एक ये होता है कि सामने एक बड़ा काम करने जब आप जाओ ना, तो जो किसी चीज की गोपनीयता उसकी बाहर निकल आ जाए, तो ये ड्रॉइंग कहीं भी शेयर करके दूसरी जगह से डिजाइन के मंदिर बन जाते, तो हम लोगों का काम यही है, इसलिए उसको शेयर करना हम लोग उचित नहीं था, इसलिए नहीं कर पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जियाउल जी, और साथ ही रमजान जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और जी न्यूज के माध्यम से आपने बताया कि किस तरीके से इस निर्माण कार्य में आपका योगदान रहा, 25 साल तक सारी जानकारी आप लोगों ने गोपनीय रखी, और आज वो भव्य दिव्य मंदिर जिसको कह रहे हैं कि विश्व भर में ऐसी तस्वीर, ऐसे मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो सबके सामने सब दर्शन कर रहे हैं।